Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. नारद भक्ति सूत्र। कल हम लोगों ने श्लोका नंबर सूत्र नंबर 22 खत्म किया था, कल इसकी समाप्ति की थी। आज हम लोग देखते हैं सूत्र नंबर 23। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तो देखते हैं सूत्र नंबर 23। तद्विहीनम् जारानाम इव तद्विहीनम् जारानाम इव। तो ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय श्री डॉक्टर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। ऑन द अदर हैंड, डिस्प्लेस ऑफ डिवोशन विदाउट नॉलेज ऑफ गॉड्स ग्रेटनेस आर नो बेटर देन द अफेयर्स ऑफ इलिसिट लवर्स। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये नारद मुनि जी, आगे कह रहे हैं कि और अभी तक जो हमने देखा गोपियों का प्रेम और ये सब जो थे अलग अलग शास्त्र संबंध जो बातें थे देखी, अब क्या कहा गया है, जो भक्ति का जो डिस्प्ले यानी जो दिखावा है, बिना भगवान की अहंता को जाने, यानी अगर भगवान भक्ति को मतलब दिखाना नहीं पड़ता यहाँ पे, मतलब तो यहाँ पे क्या जो दिखावा करते हैं बिना भगवान की भक्ति जो है भगवान की महानता जाने, वो बोलते हैं वो इलिसिट लवर्स यानी जो दो अवैध इनका संबंध होता है वो प्रेमी कैसे होते हैं, वैसा ही है। तो मतलब उनको भगवान की महानता के बारे में पता नहीं है लेकिन भक्ति दिखा रहे, तो दैट इज नॉट करेक्ट। ये यहाँ पे इस सूत्र में कहा गया है। तो हम लोग देखते हैं तात्पर्य में क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं। एक्चुअली ये जो बुक है नारद भक्ति सूत्र, ये प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन चालू किया था और इसका आई थिंक स्टार्टिंग के अराउंड 8 या ऐसा कुछ है जो ट्रांसलेशन को खुद प्रभुपाद जी ने किए थे, एंड देन हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड ऐसा कुछ है, तो उन्होंने या मतलब अपने एक डिसाइपल थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं मिलेगा तो बताता हूँ, फिर उन्होंने प्रभुपाद की बेसिस पे उन्होंने ये जो ट्रांसलेशन किया हुआ है विच इज ऑलमोस्ट एज गुड एज ट्रांसलेशन ऑफ श्री प्रभुपाद। इसके लिए दिस इज ओके। तो यहाँ पे हम लोग तात्पर्य देखते हैं। द गोपीज लव एक्सचेंजेस विद कृष्णा हैव नथिंग टू डू विद मुंडेन पैशन। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान के प्रति जो गोपियों का प्रेम था उसमें भौतिक जो पैशन है या वासना है या रजोगुण है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये काम वासना की तरह जो भौतिक जगत में जो काम वासना की तरह लगते हैं, तो जो अशुद्ध मन वाले हैं जिनकी बुद्धि अशुद्ध है वो समझते हैं कि गोपियों का प्रेम भी जो है एक प्रकार से वो काम वासना ही है। क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं समाज में जो एक लड़का या लड़की का जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका जो संबंध होता है उसको अनैतिक माना जाता है, और भगवान कृष्ण और ये जो गोपियां थी उनका भी प्रेम कुछ जो जिनको समझ में नहीं आता शुद्ध बुद्धि वाली, वो भी यही सोचने आ रही है क्या है, मतलब ये तो लड़कियां जो गोपियां हैं तो शादीशुदा है और ये कृष्ण है
इनको रात में बुलाता है, रास करता है इनसे, तो ये सब जो है ये भी एक प्रकार की काम वासना ही। तो ऐसा ये कह रहे हैं कि ये जो है ये अशुद्ध मन वाले हैं, सिर्फ उनके ही दिमाग में ऐसी बातें आती है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी हमेशा जो भगवान की जो रास लीला है उसको प्रेजेंट करने में काफी वो ध्यान रखते थे। और इसके लिए हम लोग कई बार बोलते हैं जो नए भक्त हैं उनको रासलीला के बारे में नहीं बताते, या जो रूपा जी हमेशा इंस्ट्रक्ट करते हैं, आदेश देते हैं कि कभी भी सीधा दसवां स्कंद जिसमें ये रासलीला आती है वो नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज वो उसका जो बुद्धि है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ ये सब समझने के लिए। तो इस मामले में बहुत ध्यान रखना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। लॉर्ड चैतन्य वॉज ऑल्सो वेरी कॉशियस इन डिस्कसिंग सच टॉपिक्स। और चैतन्य महाप्रभु भी ऐसी सब जो भगवान की रासलीला थी उसके बारे में चर्चा करने में बहुत ही वो ध्यान रखते थे। यद्यपि वो स्वयं हमेशा गोपी भाव में रहते थे लेकिन इसकी चर्चा कभी नहीं करते थे, मतलब जनरल पब्लिक में, उनके जो खास पार्षद थे उनसे वो चर्चा किया करते थे इस बारे में, लेकिन जनरल पब्लिक में कभी इसकी चर्चा नहीं करते थे। Although he was merged into Gopi Bhav, he discussed Krishna's loving affair with the gopis only with a few intimate disciples. यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, वो सिर्फ उनके कुछ जो खास पार्षद थे, खास उनके शिष्य थे, कुछ गिने चुने थे, सिर्फ उनसे ही वो इस बात की चर्चा किया करते थे। तो इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु इसकी चर्चा कर, तो हाँ ये एकदम उपयुक्त टॉपिक है, लेकिन इसको समझने के लिए एक बहुत ही हाई लेवल का बुद्धि होना चाहिए जो जनरल पब्लिक में नहीं होता, इसके लिए ये जनरल पब्लिक में इसकी चर्चा नहीं होती। फिर आगे कहते हैं, फॉर द मास ऑफ पीपल लॉर्ड चैतन्य डिस्ट्रीब्यूटेड लव ऑफ गॉड बाय प्रोपेगेटिंग कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ होली नेम। और आम लोगों के लिए सिर्फ वो कीर्तन करके भगवान का प्रेम बांटते थे। प्रभुपाद जी कभी कभी एक कहानी बताते जिसमें ये दिखाते थे कि कैसे जो बहुतांश लोग जो थे वो भगवान के जो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उसको एक साधारण एक लड़का और लड़की का जो एक संबंध होता है उसकी तरह मानते थे। एक बार एक जो जहाँ पे गाय रखते हैं गौशाला, वहां पे आग लग गई और वन ऑफ द काउस ऑलमोस्ट डाइड ऑफ फ्राइट। और एक जो जो गौ माता थी वो मतलब वो भय से एकदम ऑलमोस्ट मतलब उनका मृत्यु हो गया था ऑलमोस्ट, ऐसा मतलब इतना डर गई थी वो, तो मतलब उसको कुछ हुआ नहीं बट एकदम इतना भयभीत हो गई थी कि मतलब बहुत डर गई थी। इसके बाद वो जब भी वो गाय लाल कलर दिखती थी उसको लगता था अरे ये आग है और सब कुछ जलने वाला है, और वो एकदम पैनिक हो जाती थी, एकदम परेशान हो जाती थी। वैसे ही सिमिलरली जैसे ही कोई साधारण व्यक्ति एक किसी स्त्री का जैसे कभी कोई साधारण व्यक्ति या पुरुष या स्त्री जब भगवान राधा कृष्ण का जो पिक्चर देखता है तो उसको भी यही लगता है कि ये भी जो है उनका भी संबंध किसी साधारण लड़का और लड़की के समान है, जैसे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का होता है। अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनल रिसाइटर्स ऑफ भागवतम प्रमोट दिस मिसकंसेप्शन बाय जंपिंग इनटू लॉर्ड कृष्णास कंजुगल पास्ट टाइम्स इन टेन टेंपल्स। और खासतौर पर दुर्भाग्यवश जो कुछ भागवतम के प्रवक्ता है जो सीधा दसवें स्कंद पे जाके लीलाओं को पढ़ते हैं वो लोग ऐसी गलत धारणाएं फैला रहे, क्योंकि न वो उसके बारे में चर्चा करने के लायक है बल्कि जो सामने जो श्रोता बैठे हैं वो भी उसको सुनने के लायक नहीं है। तो
सबसे सही तरीका क्या है भागवतम पढ़ने का, ये जो लीलाएं पढ़ने का, कि पहले हमको बहुत ध्यान पूर्वक जो पहले के 9 स्कंद है उनको पढ़ना चाहिए, भगवान की महत्ता जो है उसको समझना चाहिए, भगवान के विश्व रूप को समझना चाहिए, उनकी भौतिक शक्तियाँ क्या है, उनकी आध्यात्मिक शक्तियाँ क्या है, फिर सर्ग विसर्ग यानी जो सृष्टि का जो कैसे निर्माण होता है, कैसे लय होता है, कैसे भगवान के अवतार आते हैं, ये सब पहले, ये सब जब समझ जाएंगे तो भगवान की महत्ता समझेंगे, और उसके बाद वो इस लीलाओं को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया कि पहले के जो 2 स्कंद हैं वो भगवान के 2 चरण हैं, और एस वन ग्रेजुअल प्रोग्रेसेस, तो पहले 2 स्कंद है, पहला और दूसरा स्कंद है जो भगवान के 2 चरण हैं। तो हम लोग सुबह के इसमें सिर्फ अभी तक पहला ही चरण देखा है हमने भगवान का, दूसरा चरण देखना बाकी है। तो ऐसे धीरे धीरे फिर वो नीचे से ऊपर की ओर एक एक उनका, उनके पैर, उनके घुटने, उनके कमर, उनके वक्षस्थल, ऐसा धीरे 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 उसकी नजर जो है वो ऊपर जाती है उसकी। तो वैसे ही मतलब जो भगवान का दर्शन करने का सही तरीका यही है। कुछ लोग जब दर्शन करते हैं तो सीधा उनका चेहरा देखते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए, पहले उनके चरण का दर्शन करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे नीचे से फिर ऊपर जाते हुए फिर चेहरे का, उनका मुख का दर्शन करना चाहिए, ये सही तरीका। और भागवतम का भी जो है, भागवतम भी जो है वो भगवान कृष्ण का ही लिटरेरी इनकार्नेशन है, उनका लिपि के रूप में भगवान अवतरित है, तो उनको भी वैसे ही देखना चाहिए, पहले 2 स्कंद ऐसे, तो उनका भी ऐसे ही दर्शन करना चाहिए। और फिर और जो 10वां स्कंद है वो भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ओके फिर ओके किसी का कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग तो इसमें आगे कहा गया है, अगर भगवान कृष्ण का जो गोपियों के साथ संबंध है वो भी वो जैसे भौतिक वासना वाला जो है संबंध होता, तो नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी जो शुद्ध ब्रह्मचारी हैं एकदम, और उद्धव और व्यासदेव जैसे जो इतने महान ऋषिगण हैं, वो उनकी इतनी प्रशंसा नहीं करते। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि नारद मुनि और सुखदेव दोनों जो है एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो वो दोनों ब्रह्मचारी और जो व्यासदेव और उद्धव जैसे जो महान ऋषिगण हैं, वो भी इसकी जब चर्चा करते हैं, गोपियों का सराहना करते हैं, तो ये वास्तव में जो है बहुत ही एक ट्रांसेंडेंटल यानी आध्यात्मिक टॉपिक है। और ऐसे जो ये जो शुद्ध भक्त हैं जिनका नाम लिया गया है, वो हर प्रकार के भौतिक जो है रजोगुण से दूर है। तो जब ये जब दूर है तो ये कैसे हो सकता है कि भगवान राधा और कृष्ण वो एक वर्ल्डली यानी एक भौतिक अफेयर की तरह कैसे हो सकता है। श्रीमद् भागवतम से हम ये सीखते हैं कि सारी गोपियां जो थी उनका भौतिक शरीर नहीं था, उनका आध्यात्मिक शरीर था। और दूसरा उसमें से हमें प्रूफ ये मिलता है कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं
गोपियों के साथ, और मतलब वो एकदम आध्यात्मिक है, वो भौतिक चीजों के परे है। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे वृंदावन में रात के समय, तब गोपियां जो हैं वो अपने आध्यात्मिक शरीर में उनसे मिलने जाती थी। बहुत सारी जो गोपियां हैं वो भगवान कृष्ण की शाश्वत उनकी संगिनी है, और भगवान जब अपना ये आध्यात्मिक लीला जब इस धरातल पे करते हैं तो वो भी जो है भगवान भी की जो संगिनियां हैं जो पार्षद है वो भी उनके साथ आ जाते हैं। लेकिन जो गोपियां थी जो भगवान कृष्ण के लीला में थी वो साधारण, उनका जो स्टेटस था वो एकदम साधारण एकदम व्यक्ति की तरह थे, साधारण घर में रहती थी, और भगवान के बारे में सतत विचार करने के बारे में सोच सोच कर वो सारे जो हैं भौतिक अशुद्धियों से दूर हो गए थे, एकदम शुद्ध हो गए थे, और जो शाश्वत जो मुक्त गोपियां हैं उनके समान हैं, उनको भी ये पोजीशन मिल गया था। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऑल द गोपीज हु कॉन्सेंट्रेटेड देयर माइंड्स ऑन कृष्णा इन द स्पिरिट ऑफ पैरामेट लव बिकम फुल्ली अनकंटामिनेटेड। तो सारी गोपियां जिनका मन हमेशा भगवान कृष्ण पे लगा रहता था, पैरामर यानी जो क्या एक टेक्निकल टर्म है मैं भूल गया, परकीय भाव है, परकीय भाव में जब अपना पूर्ण रूप से कृष्ण पे चिंतन करती थी तो सारे प्रकार के अशुद्धियों से वो दूर हो जाती थी, और कुछ जो है तुरंत जो है अपना शरीर जो भौतिक शरीर वो त्याग देती थी। ये श्री प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक में पेज नंबर 242 में लिखा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी भी इस बात की टिप्पणी करते हुए कहते हैं, श्रीमद भागवतम की उनकी टिप्पणी है तो उसमें कहते हैं उन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपना मतलब उनका मृत्यु हो गया, लेकिन वो हर प्रकार की जो भौतिक अशुद्धियां थी उससे वो दूर हो गई और तुरंत जो है उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। हरे कृष्णा। तो मैं रुकता हूँ, किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग देखते हैं। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। तो ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।